What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL, let's make some delicious crispy corn. Crispy corn कई तरीके का मिलता है restaurants में, मैंने भी कई तरीके का बनाया हुआ है पहले channel पे. आज मैं एक Chinese style crispy corn बना रहा हूँ जो एकदम crispy बनता है, थोड़ा spicy होता है, sweet होता है और tangy होता है, बहुत ही delicious बनता है. और इस video में एकदम perfect crispy corn कैसे fry करते हैं वो भी उसके सारे tips आपके साथ share करने वाला हूँ. Let's do this. क्रिस्पी कॉर्न फ्राई कर दिया है हमने और एकदम परफेक्टली फ्राई हुआ है, एकदम क्रिस्पी कॉर्न बना है. क्रिस्पी कॉर्न बनाते समय तीन चार चीज़ों का आपको ध्यान देना है. सबसे पहले आप बॉईल करके जब इसे निकालेंगे, दो तीन मिनट के लिए आपने रखा, सीजन किया, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लावर आपको डालना है. वो जो क्वांटिटी है मैदा और कॉर्नफ्लावर की ऐसे कोई फिक्स नहीं है, उसको अच्छे से कोट करना है. एक बार कोट हो गया, थोड़ा सा पानी छिड़का, उसके बाद सेम प्रोसेस मैदा कॉर्नस्टार्च फिर से आपने ऐड किया, फिर से कोट किया. यही प्रोसेस जो है आपको तीन से चार बार करना है, या जब तक आपके कॉर्न अच्छे से कोट नहीं हो जाते तब तक करना है. इसे जब ही हैंडल करेंगे कॉर्न को, लाइट हाथों से मिक्स कीजिए और कोशिश कीजिए एक बड़ा बर्तन यूज़ कीजिए और उसको अच्छे से शेक करके उसको अच्छे से मिक्स कीजिए. आपके क्रिस्पी कॉर्न के जो कोटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपके कॉर्न अच्छे से फ्राई होंगे. एक बार आपका कॉर्न अच्छे से कोट हो गया है, आपको गर्म तेल पर हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है. फ्राई करते समय आपने जैसे ही कॉर्न डाला, एक लिड लीजिए, एक ढक्कन लीजिए और जो बर्तन में आप फ्राई करें उसे 80% तक ढक दीजिए. कॉर्न के अंदर मॉइस्चर होता है, जब भी गर्म हीट उसको लगती है एक्सपांड होके कॉर्न फटता है कई बारी और तेल उड़ता है, तो एक एक्सीडेंट हो सकता है, तो उससे बचिए. लिड रखिए तो तेल जब उड़ेगा तो लिड उसे रोक लेगा और आपके ऊपर तेल के छींटे नहीं उड़ेंगे. तो ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिए और आपके क्रिस्पी कॉर्न बहुत अच्छे बनेंगे. मैं आज एक चाइनीज़ वर्जन बना रहा हूँ तो इसे एक चाइनीज़ सॉस में टॉस करने वाले हैं. आप इसी क्रिस्पी कॉर्न को कई तरीके के वर्जन में आप सर्व कर सकते हैं, ड्राई स्पाइसेस डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं, कई तरीके सॉसेज में आप इसे टॉस कर सकते हैं, ऊपर सेजवान मेयो डाल सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस हैं. हम आज जो वर्जन बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं.
क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो गया है और बहुत ही डिलिशियस लगती है ये वाली रेसिपी। कई बार आप कहते हैं कि सॉस में जब भी हम टॉस करते हैं इस क्रिस्पी कॉर्न को तो सॉगी हो जाते हैं, वो चीज़ के लिए मैंने आपके साथ एक टिप शेयर की है कि जब भी आपकी सॉस रेडी हो जाएगी और गर्म होगी तभी आप गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लेम बुझा दीजिए और फिर उसमें आपका कॉर्न डालिए और टॉस कीजिए, एकदम क्विकली टॉस कीजिए और सर्व कर दीजिए, तो आपका जो क्रिस्पी कॉर्न है वो सॉगी नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी आप क्रिस्पी कॉर्न को ऐड करें आपका क्रिस्पी कॉर्न एकदम गरम गरम उसी टाइम फ्राइड नहीं होना चाहिए, फ्राई करके आप निकाल दीजिए और 2-3 मिनट के बाद ये सॉस के अंदर ऐड कीजिए। एकदम गरम आपका क्रिस्पी कॉर्न होगा तो जल्दी से सॉस जो है खींच लेते हैं और जो उसकी कवरिंग है क्रिस्पी कॉर्न की वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपके क्रिस्पी कॉर्न टॉस करने के बाद भी एकदम क्रिस्पी रहेंगे, तो ये बात का ध्यान दीजिए। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर, मुझे बताओ आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।